नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। CDS परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर 17 नवंबर 2020 को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इंडियन नवल एकेडमी में आवेदन करने के लिए किसी भी संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। वहीं एयरफोर्स एकेडमी में आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान स्नातक डिग्री होना, 10+2 12वीं में मैथ्स का होना अनिवार्य कर दिया गया है। आज आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा आज हो जाएगी। आज किसके सर बिहार के मुख्यमंत्री पद का सेहरा सजेगा, इस बात का फैसला भी हो जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना के लिए अलग अलग स्तर पर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद अब आज मतगणना करवाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आज सुबह 8 बजे से बिहार चुनाव की काउंटिंग शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि कई जिलों में मात्र एक ही काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। बिहार के जमुई जिले के सिमुलतल्ला हिल स्टेशन में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मिनी शिमला के नाम से विख्यात सिमुलतल्ला अपने प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। भारतीय पौराणिकता के अनुसार महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस का साधना स्थल या तपोभूमि के रूप में यह बेहतर जाना जाता है। यहाँ ठंड के दिनों में पर्यटक सिमुलतल्ला के हरे भरे बाग बगीचे, सुंदर सुंदर झरने और पहाड़ों का दीदार करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ 2 बार भ्रमण के लिए आए एवं अपने किताब में यहाँ की जलवायु की प्रशंसा भी उन्होंने की है। यहाँ के महान परिदृश्य और मनमोहक प्रकृति सुंदरता आपको आश्चर्यचकित कर देगी। जब कभी भी आपको समय मिले, खासकर ठंड के मौसम में, तो यहाँ अवश्य जाएं। बिहार में आज होने वाली मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। चुनाव आयोग ने मतगणना को ध्यान में रखते हुए साथ ही प्रत्याशियों के उत्साह का अंदाजा लगाते हुए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी है। जिसके तहत आयोग ने 2-2 कहा है कि मतगणना के बाद विजेताओं के जुलूस निकालने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। विजेता नेताओं के संपर्क, सार्वजनिक जश्न नहीं मना सकेंगे। कोरोना को ध्यान में रखते हुए दलों और पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी तरह की सार्वजनिक गतिविधि आयोजित नहीं करने की कड़ी चेतावनी दे दी गई है। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर एक एक काउंटिंग ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी कर दी गई है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 3733 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। दिवाली और छठ पर्व के लिए चलेगी ट्रेनें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक इस्लामपुर और पूर्णिया कोट से हटिया और दानापुर से टाटा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, जिसके तहत ट्रेन संख्या 08624 08623 हटिया इस्लामपुर पूजा स्पेशल ट्रेन नियमित गाड़ी संख्या 18623 18624 के समय एवं ठहराव के अनुसार चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन संख्या 08625 08626 पूर्णिया कोट हटिया कोट पूजा स्पेशल नियमित गाड़ी संख्या 18625 18626 के समय एवं ठहराव के अनुसार चलेगी। ट्रेन संख्या 08183 टाटा दानापुर पूजा स्पेशल नियमित गाड़ी संख्या 18183 18184 के समय एवं ठहराव के अनुसार चलेगी। इसके साथ ही धनबाद गया और कियूल गया के बीच एक एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,23,000 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 865 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,23,477 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 5, अरवल में 3, औरंगाबाद में 5, बांका में 8, बेगूसराय में 68, भागलपुर में 11, भोजपुर में 2, बक्सर में 3, दरभंगा में 3, चंपारण में 4, गया में 8, गोपालगंज में 11, जमुई में 6, जहानाबाद में 7, कैमूर में 9, कटिहार में 5, खगड़िया में 5, किशनगंज में 9, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 17, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 110, नालंदा में 13, नवादा में 18, पटना में 432, पूर्णिया में 10, रोहतास में 4, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 4, सारण में 3, शेखपुरा में 8, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 13, सुपौल में 13, वैशाली में 4, पश्चिम चंपारण में 12 मामले सामने आए हैं।
जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले बिहार के लाल का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा बिहार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर के माछिल इलाके में 3 घुसपैठियों को सबक सिखाने के क्रम में बीएसएफ के जवान आशुतोष कुमार समेत 4 जवान ने रविवार को आखिरी सांस ली। हालांकि इन सभी जवानों ने आखिरी सांस तक घुसपैठियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। हालांकि घुसपैठियों का सामना करते हुए बिहार के वीर सपूत बीएसएफ के कप्तान आशुतोष कुमार ने 2 घुसपैठियों को अंजाम तक भी पहुंचा दिया था। आपको बता दें, कप्तान आशुतोष घेलाड़ प्रखंड के टोला वार्ड 17 के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही उन्होंने सेना की नौकरी ज्वाइन की थी। वहीं आज उनके पार्थिव शरीर को बिहार पहुंचाया जाएगा। आज से शुरू होगी पटना एयरपोर्ट पर पुणे के लिए सीधी उड़ान। कोरोना माहौल के बीच पटना एयरपोर्ट पर अलग अलग शहरों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की जा चुकी है। लॉकडाउन से लेकर अभी तक 33 जोड़ी विमानों का परिचालन पटना से देश के विभिन्न शहरों के लिए किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुणे के लिए सीधी उड़ान शुरू नहीं की गई थी। मंगलवार से स्पाइसजेट पुणे के लिए पटना एयरपोर्ट से सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप स्पाइसजेट की 1 जोड़ी विमान मंगलवार और शुक्रवार को पटना से पुणे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेगी, जिसके बाद अब पुणे जाने वाले यात्रियों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में 2015 इलेक्शन का टूटा रिकॉर्ड। बिहार में 3 चरण में मतदान के आज नेताओं की किस्मत का फैसला होने वाला है। हालांकि इस बार का मतदान बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार के एग्जिट पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। इतना ही नहीं, 2015 के चुनाव के सारे रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 2015 विधानसभा चुनाव में वोटर टर्न रेशियो कुल मिलाकर 56.66% था। विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में यह वोटर टर्नआउट रेशियो 0.39% बढ़कर 57.05% हो गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे जगजीवन राम की। जगजीवन राम, जिन्हें संपूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। 28 साल की उम्र में 1936 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य नामांकित कर दिया गया था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए तो बाबूजी डिप्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध एमएलए चुने गए थे। जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक जीवन का आगाज कलकत्ता से हुआ। कलकत्ता आने के 6 महीने के अंदर ही उन्होंने विशाल मजदूर रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को भी बाबूजी की कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता का आभास हो गया था। लॉकडाउन के बाद फिर से बिहार की हवा में फैला प्रदूषण। कोरोना के माहौल में लगे लॉकडाउन के बाद आबो हवा की स्थिति काफी ज्यादा सुधर गई थी। हालांकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन पर धीरे धीरे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, जिसके बाद अब बिहार के कई जिलों की हवा पहले जैसी देखने को मिल रही है, जिसमें राजधानी पटना और भागलपुर जिला का नाम सुनने में आ रहा है। एयर विजुअल ऐप के मुताबिक भागलपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 155 AQI पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिकतम 500 तक दर्ज किया गया है। शाम ढलते ढलते राजधानी की हवा में ज्यादा प्रदूषण देखा जा रहा है। मार्च के बाद यह स्थिति पहली बार दर्ज की गई है, जिसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के पश्चिम चंपारण के गंडक बराज जलाशय में आने शुरू हो गए प्रवासी पक्षी। पश्चिम चंपारण के गंडक बराज के जलाशय में इन दिनों मेहमान परिंदों का आना जाना लगा हुआ है। हर साल साइबेरिया में ठंड से बचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर साइबेरियन प्रवासी पक्षी वाल्मीकि नगर में देखे जाते हैं। पक्षी विशेषज्ञों की माने तो ये सभी पक्षी हर साल अपने निश्चित ठिकानों पर ही पहुंचते हैं। ये आसमान के नक्षत्र नदी, नालों, तालाब, झीलों, घाटियों के सहारे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं। करीब 3 महीने तक यहां रहते हैं। हालांकि गर्मी बढ़ते ही सभी पक्षी वापस लौटने लगते हैं। ये पक्षी अक्सर सर्दियों में ही आते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज का दिन अपना ही एक खास महत्व है। 2001 में आज ही के दिन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। साल 2008 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए फिनिक्स मिशन के संपन्न की घोषणा की थी। आज के ही दिन साल 1848 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक पार्टी के सम्मानित नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जन्म हुआ था। वहीं आज ही के दिन भोपाल से प्रसिद्ध शायर फजल तबिश ने साल 1995 को जन्म लिया था। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में किया बदलाव। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा में परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2020-21 से लागू होगी। हालांकि छात्र सैंपल पेपर के माध्यम से किए गए बदलाव को देख सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार सीबीएसई ने 10वीं के हिंदी विषय में अब केवल 2 ही खंड में प्रश्न पूछने का फैसला सुनाया है। पहले खंड में केवल वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे खंड में लघु और दीर्घ उत्तरीय
प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं 12वीं की परीक्षा में सीबीएसई ने इंग्लिश विषय में बदलाव किया है, जिसके तहत अब अंग्रेजी में केवल 2 खंड में सवाल पूछे जाएंगे। पहले 3 खंडों में सवाल पूछे जाते थे। इसके अलावा 12वीं जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र में 5 की जगह 4 भाग होंगे। वहीं सीबीएसई बोर्ड ने कला संकाय के कई विषयों में प्रश्न पत्र की संख्या घटाई है। बोर्ड ने कक्षा 12वीं में इस बार मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्नों की संख्या 18 की जगह 15 कर दी है। लगभग 2 महीने बाद राजधानी पटना में बढ़ा फिर कोरोना का ग्राफ। जहां बिहार में कोरोना के ग्राफ में गिरावट दर्ज करने की खबर सामने आ रही थी, वहीं अब राजधानी पटना में कोरोना के मामले में उछाल देखने को मिला है। मिली जानकारी के अनुसार अगस्त महीने के बाद अब एक बार फिर से राजधानी पटना में 432 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद पटना में संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है। चुनाव के माहौल में कोरोना के माहौल में वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना के बावजूद आयोजित जनसभाओं में कई लोग बिना मास्क के नजर आए हैं। इतना ही नहीं, जनसभाओं के सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया गया है। बिहार के हज यात्रियों की जेब होगी अब और ज्यादा ढीली। कोरोना के माहौल में पर्व त्योहारों में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के हज यात्रियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिहार राज्य हज कमेटी के मुताबिक हज यात्रियों के लिए इस साल खर्च बढ़ जाएंगे। एक हज यात्री पर 50,000 से ज्यादा का खर्च बढ़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जो 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। कोरोना को देखते हुए देश भर में एम्बार्केशन पॉइंट की संख्या घटाकर 10 कर दी गई है। इस बार एम्बार्केशन पॉइंट की सूची में से गया को हटा दिया गया है। यही कारण है कि बिहार के हज यात्रियों के लिए मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि हज के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तेजस्वी के जन्मदिन पर नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री पद का बताया गया विजेता। आज बिहार की राजनीति के परिणाम जहां एक तरफ आने वाले, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन अपना जन्मदिन मनाया। हालांकि चुनाव परिणाम आने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का विजेता राजद पार्टी ने घोषित कर दिया था। इसी क्रम में बीते दिन पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर में तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई तो दी ही गई, साथ ही नेताओं ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री भी बताया। जहां पोस्टर में लिखा था, युवा प्रथम मुख्यमंत्री को जन्मदिन की ढेरो बधाई। इतना ही नहीं, बीते दिन राहुल गांधी ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनके जन्मदिन की बधाई दी थी। इसके साथ ही सुबह से ही जन्मदिन की बधाई देने वाले नेताओं की लंबी कतार भी देखने को मिली। मतगणना के बाद कांग्रेस को विधायकों के अलग होने की सता रही है चिंता। आज बिहार चुनाव के परिणाम का ऐलान होने वाला है, वहीं परिणाम से पहले ही कांग्रेस नेताओं में बेचैनी दिख रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को यह भी डर सताने लगा है कि शायद चुनावी नतीजे के बाद विधायकों को अलग करने की राजनीति शुरू हो सकती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए साथ ही पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस ने पटना भेज दिया है, जिसमें पार्टी के महासचिव अविनाश पांडे और रणदीप सिंह सुरजेवाला को पटना भेज दिया गया है। इन दोनों ही नेताओं को प्रबंधन की जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। आपको बता दें, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही विपक्षी दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। नतीजे से पहले ही बाहुबली अनंत सिंह के घर पर हुई महाजश्न की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं, मगर चुनाव से पहले ही बीते दिन बाहुबली नेता के घर जश्न का माहौल देखने को मिला। हालांकि अनंत सिंह फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, मगर उन्होंने एक बार फिर से मोकामा में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया था। एग्जिट पोल में आए परिणाम के बाद राजद के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, जिसके बाद राजद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अनंत सिंह के समर्थक भी जोश से भरे नजर आ रहे हैं कि इस बार उनकी ही जीत पक्की है। और कारण है कि अनंत सिंह के पटना वाले आवास पर पंडाल लगवा दिया गया है। गौर करने की बात यह है कि अनंत सिंह की पत्नी खुद सारी तैयारियां करती नजर आ रही हैं। पीयूष गोयल ने किसानों को दी बड़ी राहत। भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियां खरीफ के दौरान रिकॉर्ड 742 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का फैसला ले चुकी है। वहीं पिछले साल 627 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई थी। वहीं इस साल सरकार ने 2020-21 के लिए खरीद केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 30,709 से बढ़ाकर 39,122 कर दिया है, जिसकी जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बाजार में धान की जल्दी आवक को देखते हुए खरीदारी का काम पहले ही शुरू कर दिया गया था। एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड खरीदारी होगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सस्ती प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। आज आखिरी मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच। आईपीएल का यह सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसके बाद अब आज इस सीजन का विजेता मिल जाएगा। जहां मुंबई की टीम पहले ही फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम ने अपनी जीत सुनिश्चित कर आईपीएल के इस सीजन की दूसरी फाइनलिस्ट बनने में सफलता पाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, खेले गए दूसरे क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद की टीम को 17 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। दोनों टीम आज आखिरी बार फाइनल मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ेगी, जहां दिल्ली की टीम इस साल इस खिताब को अपने
अपने नाम दर्ज करने की कोशिश करेगी। वहीं मुंबई की टीम एक बार फिर से अपने जीत के रिकॉर्ड को कायम करने की कोशिश करेगी। इंस्टाग्राम पर आसानी से कर सकते हैं IGTV को अपलोड। अक्सर इंस्टाग्राम पर लंबी वीडियोस को पोस्ट करने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। हालांकि अब इंस्टाग्राम ने अपने यूजर की परेशानी को आसान करते हुए IGTV को कुछ समय पहले ही रोल किया है, जिसकी मदद से आप इंस्टाग्राम पर आसानी से अपने IGTV वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बस कुछ आसान स्टेप्स का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको IGTV ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप खोलने के बाद इसकी सेटिंग पर जाएं और क्रिएट चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको IGTV के बेसिक्स समझाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करें, दोबारा क्रिएट चैनल पर क्लिक करें या फिर आप वेबसाइट से इंस्टाग्राम को खोलें और अपनी प्रोफाइल पर जाएं। दिए गए विवरण के नीचे मिले IGTV आइकॉन पर क्लिक करें और इसके बाद आपको वीडियो अपलोडिंग के ऑप्शन को चुनें। आप अपनी पसंद की वीडियो को चुनकर IGTV द्वारा अपलोड करके सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। रितेश देशमुख ने निकाला कमला हैरिस और बिहार का कनेक्शन। अमेरिका में सियासत का रुख बदल गया है, जिसके बाद अब अमेरिका के जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद अमेरिकी चुनाव की चर्चा भारत तक हो रही है, जिस पर बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने दोनों का बिहार कनेक्शन निकाला है। सोशल मीडिया पर रितेश ने अपना ट्वीट जारी करते हुए लिखा, बिडेन प्लस हैरिस इक्वल्स टू बिहार, बस पूछ रहा हूं, व्हाट्सएप पर आया है। अभिनेता के इस ट्वीट के बाद तमाम फैंस हंसते नजर आ रहे हैं। रितेश ने लिखा है, यहां से क्या बिडेन और हैरिस को बिहार के नाम से जाना जाएगा? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रितेश के इस क्रिएटिविटी की तारीफ हर कोई कर रहा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,200 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,200 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका हुई खारिज। मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2018 के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी और दो अन्य लोगों की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्ने की खंडपीठ ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा मामले में उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ कहा है कि गोस्वामी के पास कानून के तहत राहत पाने के उपाय हैं और वो संबंधित सत्र अदालत से सामान्य जमानत मांग सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है एन कुमार, मिठू राज, एडुकेशन, श्री भगवान मिश्रा, प्रिया यादव, पिकेंद्र कुमार गुप्ता, संतोष सिंह, सुमन, अरुण कुमार, अंकुर कुमार, विक्की कुमार, आलोक यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज होने वाले IPL के फाइनल मुकाबले में किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।